कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करीब चार महीने के बाद संसद में फिर से वापसी हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे, जहां पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल ने फिर सभी को नमस्कार किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया था। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके अगले ही दिन यानी कि 24 मार्च को उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब 137 दिनों के बाद उनकी संसद सदस्यता फिर से एक बार बहाल हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। राहुल जी के आज लोकसभा में रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए थे, आखिर में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उसकी सदस्यता बहाल की है। सत्य की जीत हुई है और देश राहुल जी को लोकसभा में सुनना चाहते थे, आज वो आदेश हुआ है, एक बड़ी सफलता। और जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहे हैं, जिससे सत्ताधारी दल बचते रहे हैं, अब उनको जवाब देना होगा। ये राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, ये देश के जमहूरियत की जीत है। उनके संसद की सदस्यता बहाल होने से एक बार देश की जनता की आवाज फिर से मुकर होकर संसद में गूंजेगी, फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में राहुल गांधी की आवाज गूंजेगी। राहुल गांधी जी इस देश के जनता की लड़ाई कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने का जो षड्यंत्र रचा गया था, उनकी सदस्यता को निरस्त करके आज वह फिर से बेनकाब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश की न्याय प्रणाली के प्रति देश की जनता का, देश की जमहूरियत का भरोसा बढ़ा है।